व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे न्यू KTM ड्यूक 250 की जो 24 वाला मॉडल है ना, इसके अंदर आपको एक्चुअल में क्या क्या मिलता है, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। चाहे इसकी एक्सोरूम प्राइस क्या है इंडियन ट्विलर मार्केट पे, ऑन रोड प्राइस क्या है, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये इंडियन ट्विलर मार्केट पे ना लॉन्च कर दिया गया है एंड इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। उसके ऊपर RTO एंड इंश्योरेंस को ऐड करके ऑन रोड प्राइस कितना तक जाता है, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनली बहुत इंतजार के बाद KTM ड्यूक 250 इंडियन ट्विलर मार्केट पे लॉन्च हो चुका है एंड इसकी जो प्राइस निकल कर आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। 2,39,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कम हो सकता है, वो भी न्यू लुक्स जो कि 2024 पर आपको मिलेगा। दोस्तों अब देखो, इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो इंश्योरेंस एंड RTO को अगर ऐड कर दिया जाता है तो 2,77,000 आपको ऑन रोड प्राइस देना होगा। अब आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम हो सकता है, या फिर आप ये के चल सकते हो कि आपको अगर ड्यूक 250 की न्यू मॉडल लेना है, 2024 वाला मॉडल आपको परचेस करना है, तब जाके आपको 2,80,000 बजट पकड़ कर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना, 2,80,000 के अंदर आपको डेफिनेटली इंडियन ट्विलर मार्केट पे मिल जाएगा। अब बात किया जाए कि 2,80,000 के अंदर क्या ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक से, क्योंकि और भी बाइक है जहां पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंजन के बारे में। सो इस बाइक के अंदर आपको बहुत ही पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 249.7 cc इंजन देखने को मिल जाता है एंड इसकी पावर की अगर बात किया जाए ना, तो 30.5 bhp पावर के साथ आपको 9,250 rpm मिल जाता है। भाई टॉर्क की अगर बात किया जाए, 25 Nm के टॉर्क आपको मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको स्लिपर क्लच का ऑप्शन मिलता है, क्विक शिफ्टर के ऑप्शन मिल जाता है। बाइक की जो इंजन है वो सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve की इंजन है, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ काम करेगा। यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो माइलेज के बारे में अगर बात किया जाए, तो बहुत ही पावरफुल बाइक है एंड माइलेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बाइक को कैसे कंट्रोल करते हो, तब भी आपको यहाँ पर 25 to 30 km तक माइलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है माइलेज आपको कितना चाहिए। भाई ये आप कंट्रोल करते हो बाइक को। अदर्स फीचर्स की अगर बात किया जाए, तो बाइक के अंदर ऑब्वियसली आपको ड्यूल चैनल ईबीएस का सेटअप मिल जाता है ड्यूल डिस्क के साथ। रियर पर 150/66 in की सुपर वाइड टायर मिल जाता है 17 inches अलॉयस के साथ। फ्रंट पर आपको 110/76 in के टायर मिल जाता है। अब देखो सस्पेंशन बहुत ही अच्छा यहां पर दिया गया है। फ्रंट पर आपको WP एपिक्स की USD सस्पेंशन यूज किया गया है 43 mm के साथ एंड रियर की जो सस्पेंशन है ना, वो 10-step एडजस्टेबल सस्पेंशन है, वही आपको एपिक्स की सस्पेंशन मिलता है। मोनोसेट सस्पेंशन मिल जाता है 10-step एडजस्टेबल। इस बाइक के अंदर ना आपको लॉन्च कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो सुपर बाइक के अंदर आता है वो फीचर्स अब आपको एक ड्यूक 250 के अंदर मिल रहा है, वो भी KTM आपको प्रोवाइड कर रहा है 250 सेगमेंट की बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच एंड सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सुपर मोटो मोड, यानी कि जो ड्यूक 390 के अंदर आपको सुपर मोटो मोड यूज किया जाता था पहले, वो अब आपको 250 के अंदर भी प्रोवाइड किया गया है। यानी कि आप अगर एक स्टांट करते हो ना, तो इसके लिए बहुत ही हेल्प होगा, आप रियर की जो ABS है ऑन या ऑफ कर सकते हो। बाइक के अंदर लॉन्च कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर की ऑप्शन है, सुपर मोटो मोड की ऑप्शन है। सो बाइक एक फुल पैकेज हो जाता है, आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक ये हो सकता है। प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन था उससे तो बहुत ही कम है भाई बाइक की प्राइस। एंड इस बाइक के अंदर 5 inches की एक LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जहाँ पर मीटर कंसोल भाई फुल्ली डिजिटल के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। भाई बाइक के अंदर क्या फीचर्स नहीं है, मीटर कंसोल पर ना आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल रहा है, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, बाइक के अंदर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर पोजीशन की ऑप्शन और भी जो बेसिक फीचर्स होता है जैसे कि लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, बाइक की जो बैटरी की जो ऑप्शन है, वो सारे फीचर्स आप लोग नोटिस कर सकते हो। बाइक के अंदर टाइम की ऑप्शन, मोबाइल कनेक्टिविटी के फीचर्स, USB चार्जिंग पोर्ट के ऑप्शन बाइक के अंदर आता है एंड में और भी जो ऑप्शन है जैसे कि GPS नेविगेशन के ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स आपको भाई डेफिनेटली बाइक के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इस बाइक के अंदर मैंने पहले आपको बताया कि क्विक शिफ्टर एंड राइड बाय
डिजायर का भी फीचर्स आपको मिल रहा है भाई, वो भी एक ड्यूक 250 के अंदर। सो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि आपको ड्यूक 250 कैसा लग रहा है, 2024 वाला मॉडल। एंड आप ये भी कमेंट करना कि आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हो या फिर नहीं। सो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ना, एक लाइक जरूर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।